अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं और वेलकम टू शेफ सारा कुक हाउस। और आज आप सबके लिए जो है वो मैं सहरी के लिए एक जबरदस्ती डिश लेके आई हूँ। और बहुत सारों का कमेंट्स भी आया और रिक्वेस्ट भी आई कि हमें सहरी के लिए कोई स्पेशल पराठा बताएं। तो मेरा एक पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उसके ऑर्डर्स भी बहुत जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि मैं सहरी के लिए क्यों ना आपके इसी पराठे की रेसिपी क्यों ना दूं। और आज जो पराठा है वो है हमारा चिकन चीज़ पराठा। चिकन चीज़ पराठा बहुत ही टेस्टी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। समटाइम्स सालन खाने को दिल नहीं होता तो इंसान कहता है यार कोई सहरी में जल्दी से कोई झटपट हम कुछ बना लें, तो इसमें आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और आप बड़े क्विक टाइम के अंदर ये चीज़ पराठा जो है वो बना सकते हैं। तो और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जो जो रेसिपीज़ रमज़ान के लिए चाहिए हो, अब जैसे कि ये चीज़ पराठा जो रेसिपी थी, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें सहरी के लिए स्पेशल जो है ये आप ज़रूर हमें पराठे की रेसिपी दें। तो इसके अलावा एक बहा मेरा है बाबरी कीमा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द वो भी मैं सहरी के लिए अपलोड करूंगी और आप लोग उससे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको जो है इंग्रेडिएंट्स की तरफ लेकर आई हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे पास, ये 2 कप है मैदा, ठीक है, ये 2 कप मैदा है और इसमें मैंने 1 कप सूजी ऐड की है। अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसमें ये मैंने सूजी 1 कप ऐड की है और ये 2 कप मेरे पास चना हुआ मैदा है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये है बॉयल चिकन, इसको आपने बॉयल करके शेडर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आएँ तो ये हमारे पास है कोरिएंडर, इसको आपने चॉप कर लेना है। ये है हमारे पास मिल्क, ये है फाइन चॉप ऑनियन, फाइन चॉप आपके पास ग्रीन चिली और फाइन चॉप आपके पास गार्लिक। ये हमें 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए क्योंकि जाहिर है हमने जो इसका थोड़ा सा बताना भी है आपको भी। ये है चीज़, इसके अंदर मैंने पहले से ही जो है नमक मिर्च और ये हल्का हल्का सा ये कोरिएंडर ऐड कर दिया है। और ये सारे हमारे स्पाइस हैं, इधर आपको ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, जो जो हमें ज़रूरत के सारे स्पाइस हैं। ये देखें कोरिएंडर और हमारे पास क्यूमिन सीड, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें जो है हमें स्पाइस में चाहिए। तो अब अच्छा, ये जो हमारा चिकन चीज़ पराठा है ना, इसकी स्पेशलिटी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। वो स्पेशलिटी क्या है कि ये जो हम इसकी अभी डो गूंदेंगे, वो डो जो है ना वो बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही सॉफ्ट होगी। आप ये डो गूंद करके कम अज़ कम 4 से 5 डेज भी रख सकते हैं, ये नहीं कि आपको डेली ही डो गूंदना पड़ेगा, ऐसा कोई मसला नहीं। ये डो भी मैं आपके सामने ही बनाऊंगी सारी और ये बहुत ही टेस्टी जो है ये पराठा बनेगा, क्रिस्पी भी होगा। तो इस पहले हम बनाएंगे अपनी डो, क्योंकि डो को टाइम लगता है, इसे 30 मिनट्स जो है वो आपने लाजमी वेट के लिए देने हैं। सेकंड पे जो है वो हमारी जो है वो चिकन की फिलिंग बनेगी और वो भी आपके सामने बनेगी। ओके, अब लेट्स स्टार्ट करते हैं और अपने डो की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये जो है डो, इसके लिए जो चीज़ें आप रखी हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ उसमें हमें क्या क्या चाहिए। आपको मैंने सामने बताया था कि 2 कप मैदा चाहिए, 1 कप सूजी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ओके गाइस, अब आपने जब इसकी डो बनानी है तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून, क्योंकि ये टीस्पून है तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर के बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। कम से कम इसमें आपका ऑयल जो है वो 2 टेबलस्पून होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इसमें सूजी भी थी। अब ये देखिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी लूंगी, बाद में हम इसे हाथ से गूंदेंगे, पहले आपको इसे सारा कुछ मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। पानी एकदम ज्यादा नहीं डालना, ठीक
जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें एक अदर अंडा डालेंगे। ये देखिए अब इसमें मैं एक अदर अंडा डालूंगी। अंडा डालने के बाद भी आपने इसको बस मिक्स करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपने देखा होगा कि ये मैंने ना जो मिक्सचर था ना वो सारा मिक्स कर दिया है। तो आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट्स के लिए इसको रैप कर देंगे और रैप करके हम इसको ऐसे ही रख देंगे ढक के। आफ्टर 15 मिनट्स बाद हम अपनी डो को वापस जो है वो गूंदना शुरू करेंगे। ओके गाइज, ये देखें ये हमारे चिकन चीज पराठे तैयार हैं। सहरी की इफ्तारी के लिए ये बेस्ट पराठे हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। आप ये पराठे सहरी में भी खा सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त जो है, मतलब मुझे भूख लगाई है इसे देख के। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं इसे सहरी में यही खाऊंगी। तो ऐसा कीजिएगा कि अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा और अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।